नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल डॉलर है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको ये कोलैप्स मेन्यू वाला ऑप्शंस करके मैं बताऊंगा। ये ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं, मगर इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सो हमारे इसमें क्या होता है कि ये हमने बेसिकली एक मॉडल यूज कर रखा है, और ये मॉडल जो है बहुत दिक्कत देता है, और ये लेफ्ट से एनिमेट होके नहीं आ रहा है। सो बहुत सारे इसमें इश्यूज हैं। सो आज जो है ये वाला मेन्यूज में बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से आपको करके बताऊंगा। सो सबसे पहला काम है आपका, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेवे। सो मैं सबसे पहले तो F11 प्रेस कर रहा हूँ ताकि फुल स्क्रीन में इसको कैप्चर कर सकूँ। सो यहाँ से मैं प्रिंट स्क्रीनशॉट मैंने लिया, एंड देन वापस से F11 प्रेस करें। आप अपने फोटोशॉप में जाएं, डबल क्लिक करें, और आपने जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है वो आपके पिक्चर्स में अवेलेबल होगा, स्क्रीनशॉट्स में, और लास्ट में जाके आप स्क्रीनशॉट आप ले लेवें। सो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। अब सबसे पहला आप अपना इसका डायमेंशन पता कर लें। सो इसका डायमेंशन एग्जैक्टली देखिए, आप F8 प्रेस करेंगे तो आपको इन्फो पैनल दिखाई देगा। ये इन्फो पैनल आप विंडोज में से, यहाँ से भी आप ला सकते हैं, ठीक है। अब जाके आपको सिर्फ विड्थ, आपको 365 ध्यान रखनी है कि विड्थ हमें 365 लेनी है। तो सबसे पहले आप अपने कोड के अंदर होम जेएस के अंदर आपको जाना है, और ये सारा जो वर्क है हमें अपने कंपोनेंट, हेडर कंपोनेंट के अंदर ऊपर ही ऊपर रखना पड़ेगा। ऑलरेडी हमने एक मॉडल ले रखा है, ये मॉडल वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए मैं हेडर के जस्ट ऊपर इसको वापस से मैं बनाने की कोशिश करूंगा, और बाद में चल के इस मॉडल जो हमने पहले से ले रखा है उसको हम हटा देंगे। अभी हमें ये करना है कि आपके इसके बटन के क्लिक करने पर जो इवेंट हो रही है उसे हमें हटाना है। सो यहाँ पर हम हेडर में जाएंगे और ऑल को ढूंढेंगे। सो यहाँ पर आप फाइंड करें ALL। सो जहां पे भी ये बटन आपको दिखाई दे रहा है तो ये देखिए, इसके एरिया एक्सपांड बटन कोलैप्स ये बूटस्ट्रैप के थ्रू आ रहा था, तो इसको आप हटा देवें और इसको एक सिंपल आप बटन रहने देवें। अभी ये ड्रॉप डाउन टॉगल भी क्लास दे रखी है, इसको भी आप हटा देवें, और इसको सेव करें, आउटपुट देखें आप। ठीक है, अब क्लिक करने पर जो है आपका मॉडल नहीं आना चाहिए। सो यहाँ पर इसको मैं आईडी भी हटा दूं, सेव किया और रिफ्रेश किया। अभी भी आपका मॉडल आ रहा है तो वो, सो आई थिंक हमारा ये वाला एंकर है, तो मैं इसको अंडू कर रहा हूँ अभी जहां से हमने इसको ऑल को रिमूव किया है। सो यहाँ से कंट्रोल जेड करें, और डेफिनेटली हमें ऑल बटन ढूंढना पड़ेगा। सो ऑल कौन सा वाला ऑल है, ये वाला ऑल है। ओके, ये इसको मैं कलेप्स कर देता हूँ, और ये ऑन क्लिक इवेंट जो है यहाँ से आप हटा देवें, सेव करें और आउटपुट देखें। अब क्लिक करने पर कोई भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। अब हमें ये करना है कि आप अपने हेडर कंपोनेंट में ऊपर ही ऊपर चले जाएं, जस्ट आपका जहां पर हेडिंग टैग है वहां पर आप चले जाएं और वहां पर आप ले सकते हैं। सो यहां पर आप चाहें तो इसको डिव भी ले सकते हैं, या फिर आप नैव भी ले सकते हैं। सो हम जो है एक डिव लेके देखते हैं। सो यहाँ पर हमने क्लास लिया, सो यहाँ पर मैंने क्लास लिया, और क्लास को जो है यहाँ पर हम दे देते हैं ऑल नैव मेन्यू। इसको मैंने क्लास दे दिया ऑल नैव मेन्यू। यहाँ पर हम गए और जो होम सीएसएस है वहीं पर आप डिफाइन करें इसको ऑल नैव मेन्यू को। यहाँ पर विड्थ आप फिक्स दे देवें, और वो हमने फोटोशॉप से हमने पता कर रखी है जो कि हमें 365 लेनी है। सो यहाँ 365 मैंने पिक्सल लिया, और आप हाइट जो है आप 100% दे देवें। सो यहाँ पर मैंने 100% हाइट दिया। अभी के लिए आप बैकग्राउंड कलर दे देवें,
सो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर रेड दिया। सेव करें और आप आउटपुट देखें। सो ये एलिमेंट आपका कहाँ बन रहा है इसके बारे में हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं, इसलिए आपको इस एलिमेंट को जो है डॉम से आपको बाहर निकालना होगा। सो आप अपने हेडर कंपोनेंट में जाइए, यहाँ पर हम अपने हेडर कंपोनेंट में गए और यहाँ पर आप देखिए ये एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है। इस एलिमेंट को आप चाहें तो इस मॉडल के ऊपर भी ले सकते हैं या यहीं रहने देते हैं। अब इसमें सबसे पहला काम है हाइट 100% दे दी, पोजीशन डैश हम यहाँ पर दे देते हैं फिक्स्ड दे सकते हैं, टॉप 0 दिया, स्टार्ट 0 दिया एंड देन हाइट जो है यहाँ से हम हटा देंगे इसकी और इसको जो है जी इंडेक्स देने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमने जी इंडेक्स दिया 1000 जी इंडेक्स दिया, यहाँ से हमने सेव किया, रिफ्रेश करें और आउटपुट देखें। ये देखिए हमारा एलिमेंट आ रहा है। सो ये इस प्रकार से हमारा एलिमेंट बना। आप अपना थंब यूज करना है और थंब यहाँ पर आप रखें और आप अपना ये चेक कर सकते हैं, आपको कर्सर यहाँ थंब यहाँ रखना है एंड देन आप चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारा ये एलिमेंट बन रहा है। अब जो है आपको इनिशियली जो है आपको इसकी इसको जो है आपको मूव करना है, इसकी दो वैल्यूज आपको मूव करवानी पड़ेगी। सबसे पहले तो जो है आप इसको अपने शायद L93 ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी थी, ये कट करके आप ऊपर की ओर ले लेवे ताकि कहीं ना कहीं आपको उसको मूव करने में परेशानी नहीं आए। सो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर ही रख देता हूँ। सो बेसिकली हमने यहाँ पर इसको नेगेटिव में मूव किया था, तो यहाँ पर मैं इसको मूव करूँ लेफ्ट और मुझे मूव करना था इसे -934 पिक्सल पर इसको मूव करना था। सो आप देखेंगे तो ये यहाँ पर -934 पिक्सल ये लेफ्ट की ओर मूव हो जाना चाहिए। सो लेफ्ट में इसको मूव करेंगे एंड देन इम्पोर्टेंट इसको मैंने लगाया और ये मैंने मूव किया। अब ये एलिमेंट पर हम गए यहाँ पर और आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से जो है स्टार्ट 0 दिया हुआ है इसको जो है यहाँ से हम टॉप 0 पोजीशन फिक्स्ड और इसको एटलीस्ट लेफ्ट में कितना मूव करना है वो आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा। सो आपको लेफ्ट में लगभग जो है स्क्रीन से इसको बाहर निकालना है। सो लगभग 366 पिक्सल तक इसको लेफ्ट में मूव करना है। सो लेफ्ट में इसको जो है यहाँ से हमें पता चल रहा है -366 पिक्सल मूव करना है। सो यहाँ से मैं -366 पिक्सल मूव करना है। तो इनिशियली ये जो क्लास है स्टार्ट 0 क्लास आप यहाँ से हटा देवें क्योंकि ये कंट्रोल करेगा हमारी, ये पर्टिकुलर क्लास कंट्रोल करेगी। सो लेफ्ट -366 पिक्सल मैंने मूव किया है, आप देखिए हमारा एलिमेंट बिल्कुल ऑफसेट से स्टार्ट होगा। सो यहाँ पर अब आपको जो है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज करनी है। सो ट्रांजिशन ऑल लीनियर एंड 1 सेकेंड आप दे सकते हैं। सो CSS की ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में यहाँ से ओपन कर लेता हूँ CSS ट्रांजिशन CSS ट्रांजिशन प्रॉपर्टी पे आपको जाना है, W3C पे आप चले जाना और उसकी जो शॉर्ट हैंड नोटेशन है वो आपको यूज करना है। शॉर्ट हैंड नोटेशन ये रहा, इस पर आप क्लिक करना शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी और इसका सिंटेक्स आपको कॉपी करना है, ये रहा इसका सिंटेक्स। अब इस सिंटेक्स को आप यहाँ पर पेस्ट कर देवे, यहाँ पर मैं मल्टी लाइन कमेंट करके पेस्ट कर दूंगा और इस सिंटेक्स से ही आपको पता चलेगा कि कब कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लिखनी है। सो ऑल उसके बाद आता है ड्यूरेशन। सो यहाँ पर मैंने ड्यूरेशन 1 सेकेंड दिया
और टाइमिंग फंक्शन लीनियर है और डिले में नहीं दे रहा हूँ। ऑल प्रॉपर्टी 1s ड्यूरेशन एंड लीनियर टाइमिंग फंक्शन, सो ये मैंने दे दिया है यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि उसके क्लिक करने पर वो मूव हो जाए, सो ये वाली प्रॉपर्टी तो अब जो है हमें ये हमें हटानी है यहाँ से। ये प्रॉपर्टी भी मुझे हटानी पड़ेगी, प्रीवियस जो हमारी चली हुई आ रही है उसके कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो है हमें यहाँ से थोड़ा सा हमें मूव करना है, ठीक है। सो एक प्रॉपर्टी जो है हमारी इतनी होगी, तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी जीरो होगी। सो सेव किया मैंने और मैंने रिफ्रेश किया तो हमारी एलिमेंट आ जाएगा। सो यही प्रॉपर्टीज जो है मुझे एनिमेट करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर मैं क्लास दे देता हूँ L366, ये मैंने दिया, और यहाँ पर मैं एक क्लास दे देता हूँ L0, और ये प्रॉपर्टी को जो है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो यही प्रॉपर्टी को आपको जीरो के केस में आपको यहाँ से यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं आपको थोड़ा सा CSS से कंट्रोल करना पड़ेगा। सो देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर हम गए इस डिव के अंदर, यही प्रॉपर्टीज मुझे अपने इसके थ्रू कंट्रोल करनी है रिएक्ट के थ्रू। तो यहाँ पर मैं इसको कर्ली ब्रेसेस में दूंगा सिंगल कोटेशन, और इसको यहाँ पर मैं सिंगल कोटेशन यूज करूँगा, देन कर्ली ब्रेसेस एक स्पेस दे के यहाँ पर दिस डॉट स्टेट डॉट, और मैं दे देता हूँ ऑल नेव मेन्यू। सो यहाँ पर ऑल नेव मेन्यू नाम की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास यहाँ पर डिफाइंड होनी चाहिए। सो ऑल नेव मेन्यू नाम की प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ। सो ये एक्स की जगह यहाँ पर ऑल नेव मेन्यू, और इनिशियली इसकी क्लास जो है मैं यहाँ से एल इनिशियली इसकी क्लास 366 लोड करवा दूंगा, L366, ठीक है। L366 ये क्लास मैंने इनिशियली लोड करवा दी है। अब जाके जो है यहाँ पर जो है मुझे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ एरर तो नहीं आ रही। यस, कंकैटिनेट करना पड़ेगा यहाँ पर, अदरवाइज दिक्कत आएगी आपको। इसको मैं कोलैप्स कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप देखिएगा ये हो रहा है। अब हमें ये करना है कि उसके बटन पर ऑल आप ढूंढे वापस से कहाँ पर है, ये रहा ऑल, और यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर आप लिखना है इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस दिस डॉट हैंडल, किस नाम से मेथड थी हमारी, थोड़ा सा मेथड के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। रिएक्ट की हमने कौन सी मेथड बना रखी थी ये देखिए, सो ये वाली मेथड्स बना रखी थी हमने, आई थिंक हैंडल स्क्रॉल और क्लोज मॉडल और ऐसा कुछ हमने बना रखा था। तो इनको जो है हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और एक मेन्यू वापस से हम ढूंढ के ऑल जो बटन है हमारा हैंडल नेव मेन्यू, हैंडल नेव मेन्यू ये इस नाम की एक मेथड हम बनाएंगे। सो चूंकि दिस डॉट मेथड आ रहा है तो इसको हमेशा आप अपनी रेंडर मेथड के ऊपर ही लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे हैंडल नेम मेन्यू, और ये हमारा एक फैट एरो है, ये फैट एरो फंक्शन मैंने यहाँ पर बनाया है। अब दिस डॉट सेट स्टेट करूँगा मैं यहाँ पर, एंड देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर मुझे करना क्या है। सो करना मुझे ये है कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो मुझे यहाँ पर सेट करनी है। सो यहाँ पर मैंने सेट किया प्रॉपर्टी को, सो ऑल मेन्यू ऑल नेव मेन्यू एल
366 ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर सेट किया, और यस हैंडल के क्लिक करने पर मुझे L0 पर मूव करना है। ठीक है, ये मैंने सेव किया एंड देन अब देखते हैं क्या होता है। क्लिक करा, ये देखिए दोस्तों आ रहा है, ये वापस से मैं आपको रिफ्रेश करके बताऊं। अब इसमें इतना तो स्लो तो नहीं हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। यहाँ पर जो है हम ट्रांजिशन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको टाइमिंग हम दे देते हैं 0.3 सेकेंड, लीनियर की जगह यहाँ पर हम दे सकते हैं ईज आउट। ईज आउट का टाइमिंग फंक्शन देके देखते हैं क्या होता है। इनिशियली एकदम से फास्ट आएगा, ये देखो। ठीक है, यहाँ पर ईज इन आउट दे सकते हैं, ईज इन डैश आउट। इसमें क्या होगा कि इनिशियली स्लो चलेगा, बीच में स्पीड फास्ट होगी, लास्ट में जाते जाते वापस से स्लो हो जाएगा। अलग अलग टाइमिंग फंक्शन हमें देखने पड़ेंगे। ये देखिए एग्जैक्टली हमारा वही बन गया है जो हमें चाहिए था। ये देखिए अब यहां पर जो है ये परफेक्ट आ रहा है, ये परफेक्ट आ रहा है एंड देन इसके क्लोज बटन भी हमें एक बनाना है, ये वाला क्लोज बटन। देन इसके क्लिक करने पर जो है हमारा वापस है जो एनिमेशन हमारा चले जाएगा वो भी हमें बनाना पड़ेगा। वो भी हम बना सकते हैं। आप अपने हेडर के अंदर जाइएगा और डेफिनेटली जहां पर आपका फॉर्म है इस बटन को अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स नाम का ये बटन लिया है मैंने और इसको रिफ्रेश किया मैंने, तो अब ये होगा ये कि ये एक्स बटन इसके साथ में ट्रेवल कर रहा है। क्लास नेम इसको मैंने दे दिया फ्लोट डैश RIGHT फ्लोट राइट। डॉट एंड दिया है यहाँ पर और इसको btn डैश लाइट दिया। ठीक है, ये यहाँ पर आ रहा है। अब इसके क्लिक करने पर जो है एनिमेशन हमें वापस से वहां पर करना है, वो हम कर सकते हैं। डेफिनेटली इस बटन के ऑन क्लिक पर, ऑन क्लिक इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, दिस डॉट हैंडल हैंडल नेम मेन्यू क्लोज। यहां पर हम गए हैंडल नेम मेन्यू क्लोज और इसको वापस से मैंने दे दिया 399। देखते हैं क्या होता है। Thank you.
L399 की बजाय, ओह सॉरी, L366 क्लास है, सो सॉरी, ये L66 क्लास थी, 366। ओके, परफेक्ट काम कर रहा है। ये अलर्ट यहाँ से हटा दो अभी के लिए, ये अलर्ट तो हमारा ऐसे ही मैंने बना दिया था। ठीक है, क्लिक किया, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, सो डेफिनेटली ये हमने लिया है। अब इस बटन को जो है उससे बाहर ही निकालना पड़ेगा, सो यहाँ पर हम गए और इस बटन को इसका चिल्ड्रन बनाने की बजाय यहाँ पर कहीं पर हम ले लेते हैं और इसको फ्लोट बोलने की बजाय पोजीशन कॉलम डैश फिक्स्ड दे देते हैं और टॉप 0 दिया मैंने और अभी के लिए स्टार्ट 0 दे देते हैं। देखते हैं ये बटन आ कहाँ रहा है। पहली बात तो ये कहीं ना कहीं बटन आ रहा होगा, उसको जी इंडेक्स दे के अपन को फ्रंट में लाना पड़ेगा, सो इसको जी इंडेक्स देते हैं और इसको क्लास दे देते हैं क्लोज बटन और इसको सीएसएस में जाके यहाँ से हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लोज बटन है। देन इसको करना क्या है, पोजीशन फिक्स दे दिया, स्टार्ट 0 दे दिया, टॉप 0, स्टार्ट 0 छोड़ो और इसको सिर्फ यहाँ पर हम जो है जी इंडेक्स दे, वो जी इंडेक्स हमें कुछ ज़्यादा ही देना पड़ेगा इसको। एंड देन इसको लेफ्ट से लगभग 366, देन 370 पिक्सल ले लेते हैं, क्योंकि 366 पिक्सल जो है ऑलमोस्ट हमारा उसका विड्थ आ रहा है, तो लगभग इतना पिक्सल मुझे देना पड़ेगा। सो देखे देखते हैं क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, परफेक्ट यहाँ पर आ रहा है। और अभी इस बटन को जो है थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं, इनिशियली ये नहीं दिखाई देगा। ठीक है, सो क्लिक किया ये जा रहा है, क्लिक किया सिर्फ बटन आएगा, सिर्फ एक्स दिखाई देगा और कुछ भी नहीं, सो बॉर्डर की जरूरत नहीं है। सो ये देखिए ये एक्स, ठीक है, सो इनिशियली बटन नहीं दिखाई देगा। सो अगेन यहाँ पर इसको स्ट्रिंग में लिया मैंने, और इस मेन्यू के क्लिक पर इसको डिस्प्ले और शो करवाना है। सो यहाँ पर दिस डॉट क्लोज बटन, दिस डॉट स्टेट डॉट बटन, सो ये वाली प्रॉपर्टी मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी। सो इनिशियली इसको मैं बोल देता हूँ डी डैश नन और यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर इसके केस में ब्लॉक दे देते हैं। मेन्यू को क्लोज पर वापिस से यहां पर मुझे जो है लीन दे देते, तो आई थिंक प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू कॉमा प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू आई थिंक हो जाना चाहिए। और यहां पर हमेशा ध्यान रखना कि स्पेस देना पड़ेगा आपको, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। और
ये थोड़ा सा इसको किया, रिफ्रेश करेंगे, ये आया, अब इसका जो ओवरले है, सो ओवरले का भी प्रॉपर्टी आपको सेट करना पड़ेगा। सो ओवरले का प्रॉपर्टी कहाँ सेट हो रहा है, ये सेट हो रहा है। सो विजिबल भी आपको रखना पड़ेगा, सो विजिबल और इनविजिबल। सो ये मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया। सो सारी प्रॉपर्टीज को स्टेट से हम मैनेज कर रहे हैं, ये देखिए सक्सेसफुली हुआ। अब जो है हमारा जो मॉडल का जो अंदर का पार्ट है, वो हम फटाफट जो है इसी मॉडल के कंटेंट से हम ले लेते हैं। सो ये रहा हमारा मॉडल हेडर है और ये मॉडल बॉडी है। सो ये सारा स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं यहाँ से, कट किया। और ये आप भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। सो दो डिव लेते हैं, सो इसको क्लास को छोड़ देंगे हम। इसको भी क्लास को छोड़ दिया और इस क्लास के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर पेस्ट किया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे। ये सारा स्ट्रक्चर इसके अंदर इस डिव के अंदर पेस्ट किया और इस डिव को जो है ये क्लासेस जो ऑलरेडी हमने दे रखी थी, यहाँ से हम सेकेंड वाले डिव को हम दे देंगे। और ये वाली क्लासेस जो हैं हम इसको दे देंगे। और इस मॉडल को अब आप हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। शो ऑल नॉर्म के जो प्रॉपर्टीज चली हुई आ रही है, वो उसको हम हटा सकते हैं। हैंडल क्लोज 3 को हटा दो आप, हैंडल क्लोज 2, क्लोज 3, शो, ये हम हटा सकते हैं। शो मॉडल फॉल्स, देखिए ऑलमोस्ट चीजें आ गई हैं, ऑलमोस्ट चीजें आ गई हैं। अब आप इसका कलर जो है, इनिशियली जो आपने दे रखा था उसको आप हटा दें। जो बीच वाला एरिया आ रहा है वो ऑलमोस्ट वही कलर आपको देना है जो कि फोटोशॉप में दिया हुआ है। सो आई प्रेस करें, कलर यहाँ से उठा ले। आई थिंक ये वाइट कलर ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अपना जो यहाँ पर जो एलिमेंट आपने ले रखा है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करें, ऑल नेव मेन्यू, इसको मैं हेडर बोल देता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ ऑल नेव मेन्यू, बॉडी बोलना पड़ेगा। कभी जरूरत पड़े तो हम इन क्लासेस के थ्रू भी इनको टारगेट कर सकते हैं। बॉडी का कलर हो जाएगा डीजी डैश वाइट। सेव किया, रिफ्रेश किया। ऑलमोस्ट हो गया है। इस बटन को जो है क्रॉस वाले बटन को शायद हमें नहीं चाहिए। सो क्लोज मॉडल नाम की मेथड और कहीं बनी हुई है तो आप उसको हटा सकते हैं। सो क्लोज मॉडल नाम की मेथड हम हटा दिए हैं। ये सेव किया, आउटपुट देखा हमने। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, ये क्लिक किया। अब इसकी जो हाइट है थोड़ा सा आप इसको पैडिंग वैडिंग आप दे देवें। सो जो हेडर है
उसको आपको थोड़ा सा पैडिंग देना पड़ेगा। सो मैं P4 दे रहा हूँ अभी पैडिंग इसको। ये देखिए, सो ये पैडिंग ऑलमोस्ट आ गया है। सो P4 कुछ ज्यादा लग रहा है तो हम P3 दे देते हैं यहाँ से। ये हुआ। अब बस ये प्रॉब्लम है कि ये स्क्रॉल आना चाहिए। सो स्क्रॉल आने के लिए आपको करना क्या है, आपको इसका हाइट निकालना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल इसका हाइट मैंने यहाँ से निकाला, कंट्रोल डी प्रेस करें, इसका हाइट आप निकाल लें। इसका हाइट जो है आपने 720 पिक्सल आपको निकालना है। सो इसका जो हाइट है वो आप या तो 75% आप बोल देवे। सो यहाँ पर मैंने ये 75% इसकी हाइट हो गई है बॉडी की। सो 75% बॉडी की हाइट हो गई है 75%। एंड देन गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम पर आप जाओ और ओवरफ्लो स्क्रॉल देना पड़ेगा वाई। सो गेट स्टार्ट, यहाँ पर आप लिखें ओवरफ्लो स्क्रॉल देना है हमें। सो ये इस प्रकार से ओवरफ्लो हिडन आ रहा है। ये ओवरफ्लो किस प्रकार का ओवरफ्लो चाहिए आपको, सो ओवरफ्लो स्क्रॉल आप दे सकते हैं। सो यहाँ पर ओवरफ्लो जैसे ही स्क्रॉल प्रॉपर्टी में यहाँ पर देऊंगा तो ऑलमोस्ट हमारे पास एक स्क्रॉल आ जाएगा। ये देखिए आपके पास स्क्रॉल आ चुका है। बस अब ये 75 को थोड़ा सा हमें हाइट को लेना पड़ेगा अपने हिसाब से। सो आप यहाँ जाके इसको टारगेट कर ले रहे हैं। सो इसको मैंने टारगेट किया और हाइट आप दे देवे। और आपने जितना फोटोशॉप से आपने कैलकुलेट किया हुआ था 720, तो 720 पिक्सल आप हाइट यहाँ से दे देवे। और हो सकता है इम्पोर्टेंट अगर आपको लगाना पड़े तो आप लगा लीजिए। ये देखिए परफेक्ट हो गया है। ठीक है, और इसी एलिमेंट में जो नीचे की ओर एलिमेंट आ रहे हैं अगर उनका पैडिंग बॉटम आप 5 दे दीजिए तो ज्यादा आपको नीचे से गैप मिल जाएगा। सो देखते हैं क्या होता है। एक क्लिक किया मैंने और ये देखिए साइन इन और ये एलिमेंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं। ये साइन इन फिर भी हमें अगर पैडिंग बॉटम हमें कुछ ज्यादा ही चाहिए तो वो आप फिर मैनुअली आप यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। सो यहाँ से मैंने दिया पैडिंग डैश बॉटम कॉलन फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल मैंने दे दिया यहाँ से और इम्पोर्टेंट लगा दिया। सो इन केस अगर आपको पैडिंग अगर ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं। ये देखिए पैडिंग बॉटम आ गया है और अमेजोन के केस में भी पैडिंग आ रहा है। इन्होंने भी अचीव ऐसे ही कुछ किया होगा। पैडिंग 300 की जगह यहाँ पर हम जस्ट 150 दे देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। ये देखिए 150 की जगह 100 या 90 काफी है। एग्जैक्टली हमारे भी उतना ही गैप आ रहा है जितना कि इनका आ रहा है।
तो ऑलमोस्ट हमने अचीव करके बता दिया है। एक बस हमारा ओवरले नहीं आ पा रहा है, तो ओवरले का रीजन हम देखते हैं, ओवरले क्यों नहीं आ रहा है। सो ओवरले के केस में ओवरले हमारा ये रहा, ओवरले हमारा ये रहा, और ओवरले को हमें शो करवाना है बेसिकली। सो हैंडल नेम मेन्यू विजिबल हमने करवाया है, ठीक है। आई थिंक ओवरले हमें इससे तो कम ही करना पड़ेगा। ओवरले का जो ये वैल्यूज हैं, आई थिंक ऑलरेडी हमने यहाँ पर दे रखी है, 1000 आ रही है, और ये 10,000 है, और इस ओवरले का वैल्यू भी 10,000 है। सो इसका 10,000 10 कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए हो गया है दोस्तों, और उसका शिफ्ट बटन का जो टेक्स्ट कलर है मुझे वाइट करना है, और वो आसानी से हम कर सकते हैं। सो ये रहा बटन, टेक्स्ट डैश वाइट। तो ये सक्सेसफुली हमने करके बता दिया है, तो चलिए अब इसको लाइव सर्वर पे मूव कर देते हैं। देखते हैं हमने लास्ट टाइम क्या किया था, गिट लॉग करें। लास्ट टाइम में आज तो हमने हाफ सेंचुरी मार दी है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इसको लाइक करें, शेयर करें। सो आज हमारी हाफ सेंचुरी वाला वीडियो है। सो गिट हैड कॉमेट डैश एम, और आज तो हमारी हाफ सेंचुरी वाला वीडियो है। सो वीडियो 50, और वीडियो 50 के अंदर मैंने आपको होम पेज, ऑल मेन्यू साइड एनिमेशन मॉडल डन 100%, गेट पुश ओरिजिन मास्टर, धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको आप लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।